हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 22 जून मंगलवार, और दोस्तों मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा है। पूरी तरीके से बारिश का माहौल बना हुआ है, जैसे झड़ियों के दिनों में बारिश का माहौल बना होता है। सावन के दिनों में माहौल पूरा वैसे ही दिख रहा है। वॉक करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, इस तरह के सुहावने मौसम में वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। घूमना चाहे आप से क्यों ना हो, हर तरीके से अच्छा लगता है। दोस्तों हवा भी तेज चल रही है, देखते हैं सोयाबीन की क्या स्थिति है। तो दोस्तों आप देखेंगे ये सोयाबीन पूरी तरह से अंकुरित होकर बाहर आ चुकी है। आप देखेंगे ये जो चांस है, ये जो रो है, ये पूरी की पूरी रो में एक जैसे सोयाबीन आ चुकी है। देखिए पूरी तरीके से सोयाबीन बाहर आ चुकी है। हम इसको आगे बढ़ के देखते हैं, पूरी इस तरीके से पूरे खेत में आना शुरू हो गई है। दोस्तों एक से दो दिनों में ये पूरा खेत में ग्रीन दिखने लग जाएगा। बारीक बारीक सोयाबीन जमीन से बाहर आ रही है, हर जगह से बाहर आ रही है। आज सोयाबीन 5 दिनों की हुई है। पूरे खेत में अभी भी कुछ जगह ऐसी बची हुई है जहाँ सोयाबीन बाहर नहीं आई है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आज या कल में एक से दो दिनों में पूरी तरीके से बाहर आ जाएगी, और हमें पता चल जाएगा कि जर्मिनेशन रेट जो था इसका वो क्या रहा, रेशियो क्या रहा। चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ अपने वक्त के लिए। दोस्तों मैं डेली बेसिस पे वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, एक वीडियो मॉर्निंग में रिकॉर्ड करता हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, एक वीडियो इवनिंग वॉक के लिए रिकॉर्ड करता हूँ। तो मेरा मकसद ही है कि मेरे जितने दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोग वीडियोस देखें और वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, पर अपने हेल्थ के लिए कुछ समय अपना दें। दोस्तों मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी बॉडी के लिए ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 20 मिनट पर डे दे दें, ये भी इनफ है। क्योंकि दोस्तों अभी हम सब जान चुके हैं कि महामारी वगैरह से फैल रही है, आने वाले फ्यूचर में हम नहीं जानते क्या क्या हो सकता है। तो हमें स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग रहिए, हेल्दी रहिए, इम्यून रहिए। ये दोस्तों मेरा 1.5 किलोमीटर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। आज मैं यहाँ से दूसरा ट्रैक फॉलो करता हूँ। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, इस खेत में भी सोयाबीन पूरी तरीके से उग रही है। आप देख सकते हैं पूरे चांस, ये जो रोज है ये पूरी रोज कंप्लीटली आपको दिखाई देगी।
नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। ये है बेबी सोयाबीन का पौधा। अभी सबसे ज़्यादा खतरा दोस्तों इनको, कारण है एक तो ईल का खतरा है और दूसरा खतरा है छोटे मोटे रेंगने वाले कीड़ों का, क्योंकि अभी ये काफ़ी नरम होती है और ये इस प्रकार के जानवर इनको खा जाते हैं। थोड़े दिनों में आपको हर दिशा में ग्रीनरी दिखेगी। चलिए दोस्तों मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों मैं कंटिन्यू नहीं करता हूँ। किसान भाई ने भी सोयाबीन 3 दिनों पहले अंकुरित जरूर हो चुकी होगी, पर अभी बाहर आने में समय लगेगा इसको। हमारे ये किसान भाई अभी भी बचे हुए हैं, उनको समय नहीं मिल पाया बोनी करने का क्योंकि मौसम ने समय नहीं दिया। जल्द ही ये बोनी करेंगे। कुत्ता वर्सेस चिठहरी, देखिए। चलिए दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ 3 किलोमीटर का रेंज कंप्लीट हो गया और मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर और इसी के साथ मैं आज के अपने विराम देता हूँ। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं इवनिंग में हमारे इवनिंग वॉक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।